पिछले 11 दिनों में आपको ढेर सारा प्यार मिला है अपने दर्शकों से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल माई लिसनर्स. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सारे लिसनर्स का, व्यूअर्स का, जिन्होंने मेरे नए गाने को, दिल आवारा को, बहुत सारा प्यार दिया है. थैंक यू सो मच. और जिन्होंने नहीं सुना है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, SK म्यूज़िक वर्क्स के यूट्यूब चैनल पे, और मेरा नया गाना दिल आवारा रिलीज़ हो चुका है. सो प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग एंड गिव इट ऑल योर लव. दिल आवारा एक बेहतरीन सॉन्ग, पर इससे पहले भी आपका सफ़र बहुत ही बेहतरीन रहा है, जहाँ पर आपने तरह तरह के गाने गाए हैं. पर इसके बाद से क्या आप कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं? एनीथिंग इन द पाइपलाइन? अभी तो दिल आवारा का जो रिएक्शन आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, मैं उसी में बहुत खुश हूँ. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. बट या एज यू सेड, पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे गाने रिलीज़ हुए हैं, और SK म्यूज़िक वर्क्स में ही ये मेरा तीसरा गाना है. एंड थैंक्स टू सिद्धार्थ कश्यप, जिन्होंने गाना कंपोज किया है, एंड SK म्यूज़िक वर्क्स का जो लेबल है उनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे गाने वो रिलीज़ करते हैं. और इसके आगे भी मेरे कुछ गाने हैं जिनमें मैं फीचर भी करने वाला हूँ, तो वो गाने रिलीज़ होने वाले हैं बहुत जल्द. सो उम्मीद करता हूँ कि लोगों को पसंद आएंगे. एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में और अब के जो आप गाने कर रहे हैं, उसमें ये चेंज है कि आप इन गानों में फ़ीचर भी कर रहे हैं. सो ये चेंज किस तरह से आया, और आगे क्या हम आपको देख सकते हैं आपके म्यूज़िक वीडियो में खुद फीचर करते हुए? आई थिंक दिस चेंज हैज़ गॉट टू बी विद द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, बिकॉज अर्लियर इट यूज़ टू बी अ लॉट ऑफ फिल्म म्यूज़िक. द डिपेंडेंसी ऑन द फिल्म म्यूज़िक वॉज अ लॉट मच इन द अर्लियर डेज अ फ्यू ईयर्स बैक. बट आजकल का दौर इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का दौर है, तो फिल्म म्यूज़िक के अलावा भी लोग इंडिपेंडेंट म्यूज़िक सुनना पसंद कर रहे हैं. और तो उस वजह से ये होता है कि एक सिंगर को फीचर करने का मौका मिल जाता है, बिकॉज यू आर नॉट सिंगिंग फॉर सम अदर एक्टर और सम अदर फिल्म. तो उस वजह से कई सारे सिंगर्स हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि सिंगर्स को भी वीडियो में फीचर करते हैं, तो एक फेस रिकग्निशन मिल जाता है. अदरवाइज व्हेन यू आर अ प्लेबैक सिंगर, आपकी सिर्फ आवाज़ लोगों को पता होती है, बट उसके आवाज़ के पीछे जो चेहरा है सिंगर का, वो ज़्यादा पता नहीं होता था. बट दैट्स अ वेलकम चेंज. और आगे और भी कुछ ऐसे गाने हैं जिसमें मैं फ़ीचर भी करने वाला हूँ. इनफैक्ट दिल आवारा में भी मैंने फ़ीचर किया है अलॉन्ग विद दी लीड एक्टर्स राहुल शर्मा एंड पूर्वा राणा. एंड अंशुल ने डायरेक्ट किया है इस वीडियो को दिल आवारा के, बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज किया गया है. एंड कुछ देर के लिए मैं भी इस वीडियो में नज़र आऊँगा आपको. आगे भी ऐसा इस तरह का अच्छा काम करता रहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा. आपका सॉन्ग जाना है तो जा, जिसके कि दो वर्जन हमें देखने को मिले, एक आपका म्यूज़िक वीडियो और एक आर्टिस्ट वर्जन, इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था, किस तरह से आप इस निष्कर्ष पर निकले? इसका पूरा क्रेडिट इस गाने के जो क्रिएटर हैं सिद्धार्थ कश्यप, उनको जाता है. द एंटायर टीम एट SK म्यूज़िक वर्क्स, दे आर अ वंडरफुल बंच ऑफ पीपल, ऑलवेज यू नो हाई ऑन एनर्जी, और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत मोटिवेटेड रहते हैं हम अपने काम को लेके, जो कि बहुत अच्छी बात है. और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है उन सब के पास, राइट फ्रॉम सिद्धार्थ कश्यप टू सनोबर एंड द एंटायर टीम एट SK म्यूज़िक वर्क्स. तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और उनकी जो एक इन्फेक्शियस एनर्जी है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, मुझे भी अपना इनपुट देना है और मुझे भी कुछ और अच्छा करना है, ताकि ये गाना और अच्छा बने और अच्छे से इसका आउटपुट निकल के आए. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. जो जाना है तो जा में हमने किया था, उसका मेन वर्जन बहुत ही अच्छा वो गाना बन के आया था. गौतम गुलाटी वॉज देयर इन द वीडियो. और फिर उसका एक अनप्लग्ड वर्जन किया हम लोगों ने, जिसमें मैं और सिद्धार्थ कश्यप और बाकी म्यूजिशियन सब ने मिल के फीचर किया था उसमें. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड चेंज जो हम देख रहे हैं. और ऑल द बेस्ट टू SK म्यूज़िक वर्क्स एंड सिद्धार्थ कश्यप एंड एवरीबॉडी, कि वो लोग इस तरह का अच्छा काम करते रहें. कमिंग टू दिस क्वेश्चन, जहाँ पे डिजिटल एज, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग गाना रिलीज़ करते हैं, इट ट्रेंड्स ऑन इंस्टाग्राम, पीपल आर गोइंग मेकिंग रील्स ऑन इट, हाउ डू यू फील कि यू वॉन्ट टू पोर्ट्रे योर सेल्फ इन द यू नो अपकमिंग मंथ्स ऑन सोशल मीडिया डिजिटली? या सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दीज डेज, आई मीन देर इज़ नो डिनाइंग दैट. और एवरीबॉडी इज़ ऑन सोशल मीडिया. इनफैक्ट सारे गाने
और जितना भी कंटेंट होता है वो सब सोशल मीडिया पे ही पहले चर्चा में आता है, उसके बाद लोग यू नो यूट्यूब पे जाते हैं और फुल वर्जन और सब कुछ देखते हैं। सो जैसे कहते हैं कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ होता है पहले, तो वैसे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू नो जहाँ पे बहुत सारे ट्रेलर्स अवेलेबल होते हैं, उनमें से अगर कुछ पसंद आता है लोगों को तब लोग आगे जाते हैं यूट्यूब पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके पूरा गाना देखते हैं और सुनते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि जब भी मेरा कोई नया गाना रिलीज़ होने वाला होता है तो आई गो ऑन टू माई सोशल मीडिया, आई पुट आउट द टीज़र और अपने गाने के बारे में लोगों को बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को पसंद आए, और जब टीज़र पसंद आता है तो देन इवेंचुअली पीपल गो ऑन टू वॉच द फुल वीडियो ऑन यूट्यूब एंड सेंड देयर लव। सो ये आपके फैंस की तरफ से ये क्वेश्चन आया है कि जब भी वो आपके गानों को सुनते हैं सो इट रियली सूथ्स देम थ्रू द हार्ट ब्रेक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या वो देख सकते हैं यू एक्सप्लोरिंग विद सम सॉर्ट ऑफ यू नो हैप्पी सॉन्ग और लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट जॉनरा जहाँ पे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? या ऑफ कोर्स, आई मीन मैंने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि मुझे जब कोई अच्छा कॉम्पोजिशन मिलता है, अच्छा गाना गाने को मिलता है जिसकी धुन अच्छी हो और जिसके अल्फाज अच्छे हों, सो दैट इज़ माय फर्स्ट मोटिवेशन कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये गाना गाना है। सो थैंकफुली जिस तरह के गाने मुझे अब तक ऑफ़र हुए हैं उनमें ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ये क्वालिटी होती ही है कि एक अच्छी धुन होती है, अच्छे अल्फाज होते हैं। सो वो उसके बाद आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड कि मुझे अपना काम करना है, मुझे इसको अच्छे से निभाना है, गाना है और एक अच्छा गाना क्रिएट करना है। तो उस तरह से अब लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं कि हार्ट ब्रेक वाले सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स को लेके मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है लोगों में कि ये मैं अच्छे से निभा पाऊँगा, तो उस तरह से वो गाने मुझे मिलते हैं। बट एट द सेम टाइम आई हैव संग अ लॉट ऑफ हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग्स एज वेल जो लोगों को पसंद आए हैं। आई रिमेंबर इनफैक्ट जब मेरे करियर की शुरुआत के दिनों में ही मैं आई यूज़ टू वर्क विथ मिथुन, आई यूज़ टू वर्क विथ हिमेश जी अलॉट उन दिनों में, बट साजिद वाजिद वर द फर्स्ट म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने एक प्रॉपर हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग के लिए मुझे बुलाया था। दैट वॉज इट वॉज कॉल्ड सुन सोनी है, जैकी भागनानी वॉज फीचरिंग इन दैट, और वो एक बहुत ही अलग और बहुत ही हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग था। इट वॉज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वाइब, सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उसके बाद से मैं अपने आप को बहुत ओपन रखने लगा कि हर तरह का गाना गाने के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऑडियंस से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके गानों को लेकर और आगे भी जो रिलीजेज होंगे उनके लिए? ऑडियंसेस से एक्सपेक्टेशंस मैं क्या रख सकता हूँ, ऑडियंस मुझसे एक्सपेक्टेशन रखती है कि मैं अच्छे गाने गाता रहूँ और उनके सामने अच्छा काम अपना लेके आता रहूँ। बट मेरी ऑडियंसेस से ये एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से इतने सालों में मेरे जितने गाने आए हैं, जितना मुझे प्यार दिया है अपने ऑडियंसेस ने, तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरे साथ मेरी ऑडियंस बनी रहे, मुझे अपना प्यार देते रहे जब भी मेरा कोई नया गाना आता है। तो सो दैट इज़ द ओनली थिंग, एंड एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है मेरे ऑडियंस को लेके, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड के एक लॉयल फैन बेस जो होता है वो है, और लोग मुझे सुनना चाहते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं। सो जितने लोग हैं जो मुझे मेरे गाने को पसंद करते हैं उनको मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू ऑल, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, और इसी तरह से अपना प्यार मुझे भेजते रहिए, एंड आई प्रॉमिस दैट मैं मेहनत करता रहूँगा टू यू नो कम आउट विद गुड सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच इरफान फॉर योर टाइम। थैंक यू।